तो सच बता दीजिए, तो सबसे पहली बात मैं स्कूल से ना, तो तुम लोगों को पता होगा ये सीज़न चल रहा है कॉलेज में एडमिशन लेने का, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है कि हमने एक फेक स्टूडेंट बनकर जाएंगे किसी दूसरे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बनकर, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी चीज़ के, वो भी ड्रेस पहनकर उस कॉलेज की, देखने कोई पहचान पाएगा या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब न्यू स्टूडेंट आते हैं कोई उनका उन पर ध्यान नहीं देता कि क्या है क्या नहीं है, क्लास में ऐसे बैठ सकते हैं। तो तुम्हारा भाई ये टेस्ट करने वाला है, होपफुली ये इलीगल ना हो, देखते हैं क्या होता है हमारा, हमें वो पकड़ते हैं, लात मार कर निकालते हैं, या फिर हम सक्सेसफुली उसके अंदर क्लास में पढ़ पाते हैं। तो मैं जाने वाला हूँ जिस कॉलेज में, वो एक CCU का ब्रांच था जिसके अंदर की BBA के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बनकर जाऊँगा मैं नकली। चलो देखते हैं क्या हो पाता है, हम कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस उस दिन जब हम गए थे जब तो कोई भी नहीं था क्लास में, आज जा रहे हम दोबारा चकमा देंगे कॉलेज में, देखते हैं हमें लात मार कर निकालता तो नहीं वो कॉलेज से उसका प्रिंसिपल, कि हम तो भी दूसरे कॉलेज के हैं, आज स्टूडेंट वाली वो पहन कर जा रहे हैं पूरी। बस फुल्ली हमने कॉलेज में एंट्री ले ली है, पानी अच्छा से देखिए टेस्ट करके, खास ना बहुत बेकार पानी। गाइस ये है हमारा पढ़ाकू लोंडा, पढ़ाकू दिखने से तो ऐसा लगेगा जैसे सच में बहुत पढ़ाकू होगा। किधर किधर नंबर आए तेरे, कितने परसेंटेज बनी, बैक बैक है झूठ वाला, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्लासेस के अंदर, बोल दे हाय बोल दे। तो देखो गाइस इनकी क्लास खाली पड़ी है पूरी, दो तीन बच्चे हैं हम, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई करी है, ठीक, आज इनके कॉलेज की कर रहा हूँ देखो। और साथ में क्या, आज कितने बजे आना है, किसी को रोक रहे हैं। तो अभी मैं तो जिस क्लास में हूँ ना, जिसमें मैं झूठा झूठा इंसान बन के जा रहा हूँ, वो क्लास देखो, BBA फर्स्ट ईयर है, मैं थर्ड ईयर का लौंडा फर्स्ट ईयर में जाकर बैठ गया, और इसके अंदर देखो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, गाइस रिस्क लेंगे, रिस्क स्टार्टिंग है अभी, बैग की टेंशन पहले वाले क्लास का टॉपर बच्चा है, उसमें बैग की टेंशन है, फर्स्ट ईयर में है, हमारे साथ पढ़ने वाला, हम तीनों थर्ड ईयर में आ गए। वैसे सुमित भाई कितनी परसेंटेज आई थी आपकी 12th में? 49। नहीं, ये झूठ नहीं चलेगा। 82। देखो हम यहाँ पर 67-68 वाले, और यहाँ पर 82 वाले, और उन्हें फिक्र हो रही है बैग की। तो छोड़ने के बहाने से ऊपर वाले हमारे रूम में आए हम, सर मिल जाए, चल काम हो गया, ऊपर ही घूमें, मिल के चलो, मिल के काम हो गया। तो गाइस जी है वो क्लास जिसके अंदर कब्जा कर रहे हैं हमने आकर, फर्स्ट ईयर भी भेगा, मैं तो थर्ड ईयर वाला हूं, तू थर्ड ईयर वाला क्या कर रहा है, तू तो है भी ना यहां का, तू है भी ना, फर्स्ट ईयर का लौंडा किससे पूछ, तुझे तो बंक बना, फर्स्ट ईयर लौंडा ना मैं, ना फर्स्ट ईयर का लौंडा, हमें पता है झूठ बोल रहा है, थर्ड ईयर झूठ बोल रहा है, मैं फर्स्ट ईयर पूछ, मैं इनसे पूछ रहा सारों से, इसका बैग ये मैं दिखा दूं। तो वैसे तुम्हें पंखे दिख रहे होंगे ऊपर, ये अभी अभी चल गए, वरना गर्मी में बैठे ही दोनों, और साथ में तुम्हें पता है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, चल तू बता वो जो है सामने क्या है, बोर्ड तू बता क्या है इसमें, ना बता ये कुछ इसमें बनेंगे, मुझे बंदा पता, लेकिन हम इस इसमें नहीं बन सकते गाइस, अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अभी घर भी नहीं दिया है हमें, काम पता नहीं क्या काम दिया हमने, काम है ये बिजनेस स्टार्ट करा हमने, कैसे 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कहाँ भाई, तो सब्जेक्ट नेम भी ना पता है। तो गाइस सच जानना है इसे कि मुझे BBA के बाद क्या करना, BBA के बाद मुझे क्या करना है, तो सच बता दीजिए, तो सबसे पहली बात मैं स्कूल से ना, मैं आ गई ना, मैंने इसमें एडमिशन ही ना लिया, मैं आ गई भाई के साथ आया ड्रेस पहन ली, और मैं BBA ना, मैं थर्ड ईयर हूँ, मैं IMD देखिए, मैं IMD थर्ड ईयर हूँ, मैं करूँ BFarm, उसे थर्ड ईयर में हूँ,
मैं तो भाई के साथ आ गया। ये भाई साहब ये इन्हें किसी को पता भी नहीं चला कि मैं फर्स्ट ईयर में ना अगर पकड़ा गया ना तो लात मार निकाल देंगे, बस पकड़ा नहीं चला गाइस। गाइस निकल दिए हम पीरियड एंड होते ही क्लास से बाहर। भाई क्लास के बच्चे थे भाई, इन्हें नहीं लूँगा। आज सच बता रहा हूँ, आज मजा आया। कल मैं आया पता, कल बिल्कुल मजा ना आया। ये लौंडा ना आने इसने मुझे दिलाया, सच बताऊँगा। क्लास में वो टीचर हैं, एक बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, निकल ले हम हमारी क्लास। और क्लास आज मैं रुका हूँ काफ़ी टाइम तक, लंच में गायब हो गया। कल लौंडा गायब था, लंच में दूसरे घंटे दूसरे में चला गया। आज में थोड़ा मज़ा आया, जो टीचर है ना उन्होंने बेहतरीन बात करी, मतलब एक नंबर हो गया। कुछ और भी हो रहा, इसके फ़ोन पर ज़्यादा चल रहा, पता ना कौन से ग्रुप में ज्वाइन हो गया, वो बता ना सकते हम ऐसे ग्रुप। मैं देखता हूँ अगर रुकना है यहाँ और पीरियड लेंगे तो ठीक है, वरना निकल लेंगे हम अभी। पसंद आई आगे लौंडे आगे खत्म करते हैं यहाँ पर, आगे मिलता हूँ अगर मैं रिकॉर्ड की तो ऐसे ले जाएगा। तो अभी पूरी क्लासेस तो हमारी एंड नहीं हुई, लेकिन हम पहले ही आ गए। तो देखो ये मुझे बुला कर ले गया, मुझे शुरू में डर लग रहा था कि वो भेजेंगे भी ऐसे या नहीं, लेकिन भाई साहब इतना इजी है आना। अगर हमारा कॉलेज होता ना, हमारा कॉलेज होता तो वो बिल्कुल नहीं आने देते, लेकिन असल ले आया मुझे। एक और लड़का हमारे साथ, वो भी पी शर्मा आ रहा। लेकिन वैसे थर्ड ईयर में होने का ये फायदा है, सच में जान पहचान अच्छी होगी टीचरों से। तो मतलब मेरे ना एक जो टीचर है अपना भाई है जो अमित सर क्या नाम है उनका, जो वो बोल रहे कि मैं नंबर दूं सबको। हाँ नंबर दें तो भाई साहब वाले इंटरनल वाले, वैसा नंबर नहीं इंटरनल वाले। हाँ तो मतलब वो ऐसा होता है वो ना, आज ना मेरी उनसे बात हुई, अच्छी खासी बात चली उनसे। वो अपनी सारी पढ़ाई हमारे की जो सारे नंबर मैं दूंगा। हाँ पढ़ाई हाँ भाई मार रहे, स्टार्टिंग में हमने उनका नाम 25 ही रख दिया, 25 कर रहे होंगे ना, 25 नंबर हमने 25 नाम। और पता है फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे थे, मैं उनमें जाकर बैठ गया फर्स्ट ईयर में, और टीचर भी आ रहे ऐसे मान रहे, पता पूरी क्लास में टीचर ये सोच रहे कि लौंडा इंटेलिजेंट है कुछ करेगा। मुझे कह रहे ऐसा पता, वो कह रहे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कह रहा सर, मैं वो बोल रहे कि तुम्हें ना जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा होंगी ना मैं उसे पूरे नंबर दूंगा। मैं कह रहा सर रोज आऊँगा और आज के बाद दिखने का ना उन्हें। कल को बता देंगे सर, सर को बताओ कि ये मत बोलिए कि वो लड़का भाग गया, उसने बोल दिया कॉलेज चेंज कर लिया उसने। वैसे वो टीचर बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, सही है। आगे आगे के लिए भी पढ़ाए तो समझ में आता है इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। मैं कुछ भी लिखूं जो मुझे समझ में आ गया, मैं अपने मतलब जैसे वो लिखवा रहे थे ना डेबिट, मैं कह रहा डेबिट की जगह डी आर आर क्या कर रहे हैं ये, और शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज़ कर रहे हैं। मैं कह रहा सही है यार, इन होगा भी वैसे। अगर तुम नहीं जानते तो असद और मानसी ये थर्ड ईयर हैं, सीनियर हैं। वैसे मेरे सीनियर नहीं है, मैं तो सीनियर, मैं जूनियर खुद बना हूँ। मैं भी सेम क्लास थर्ड ईयर में। हाँ उनके सीनियर जो मेरे क्लासमेट थे, जो लड़का था पीछे, तो उसका भी इंट्रो कराया। इंट्रो कराया हाँ, वो लड़का हमने भी ठीक करा। लड़की कह रहा था सी यू टुमारो, लड़की कह रहा है सी यू टुमारो। अब मैंने अब भाई साहब उसने खुद भाई वो कल को जरूर ढूंढेगी तुम्हें। मैं गायब मिलूंगा कल को। वैसे हम क्वेश्चन पूछ सकती हैं उससे जो मेरे साथ बैठा। मैंने बताया ना किसी को कि मैं बस लास्ट डे मेरा, आज मैं नकली हूँ, सीक्रेट उस पर हूँ, मैं मिशन पर कॉलेज की चेक इन करता फिर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। आईएमटी वालों ने भेजा कि सीसीएस को जो कॉलेज कनेक्ट है वो कैसे पढ़ा रहे हैं, देखा हो जाओ। इम्प्रूवमेंट एजेंट है ये, आईएमटी का एजेंट है।